सच्चे दरबार की बुलाए कई समझाए चलो न के जाइए लांगुर को बुला करके माँ ने कहा कि बेटा तुमने चले जाओ ना और मेरे धानो भक्त को बोला रे भवन में और पवन ये भी माता रानी के भवन में सच्ची दरबार की पत्तों का छूना है बतावे तेरे नौजवान साथियों किसी ने नहीं बताया।
के धानु भक्त की बात को सुनकर देख करके लांगुर वीर गली में बैठ गए। और जब गली में बैठ गए तो कहने लगे, हे मैया रानी, तूने मुझे कहाँ भेज दिया कि जो कोई भक्त का पता बताने के लिए राजी नहीं है। जय हो। ये माँ इतनी दयालु है कि मन तन से जो भी भक्त पुकारता है दौड़ी दौड़ी चली जाती है। जिस समय लांगुर वीर ने कहा कि माँ तेरे भक्त का पता किसी ने नहीं बताया, धीरे धीरे भैया धीरे धीरे तेरे भक्त का पता किसी ने नहीं बताया, लेकिन माँ ने जब कानों में आवाज पहुंची तो माँ ने क्या काम किया बताया है भक्तों, कैसे लोकेश भैया बुढ़िया बन गई, हाथ में डंडा ले लिया। अरे बूढ़ी सी एक बुढ़िया बन गई, अरे हाथ में डंडा है न्यारो रे। अरे शहर आगर की गलियन में यहाँ पर लांगुर वीर बैठे थे, उधर होके जा रही थी बूढ़ी मैया। लांगुर वीर कहने लगे, यार बूढ़ी मैया पतो होगी, इसी से पूछता हूँ धानु भक्त का घर। जिस समय जा रही थी तो कहने लगी, मैया कहने लगी, हाँ बेटा मैया एक बात बताओ तुम यार शहर आगरे की हो। कहने लगी, हाँ माँ देखिए सुबह से शाम हो गई मुझे घूमते घूमते, लेकिन धानु भक्त का पता किसी ने मुझे नहीं बताया। मातने माले में सिंह सवारी शेरा वाली कहने लगी कि बेटा चिंता मत कर, मैं बताती हूँ धानु भक्त का पता तुझे। क्या बताने लगी है माँ? जय हो। क्या बताना ला? अरे ऊंची सी एक मनिया डलिया जमे चमन की बरिया भारी रे। एक ऊंची सी एक भारी बन रही है। अरे ऊंची सी एक मनिया डलिया चमन की बरिया भारी रे। अरे धानो लाला ओ लांगुरिया तो सो मत लेकिन दोस्तों जिस समय माँ की बात को सुनी लांगुर तो धानु भक्त के पास में चल दी, नर्मा अंतर ध्यान हो गई, नगर कोट धाम में पहुंच गई। और इतनी बात को सुनकर के लांगुर भी चल दी रे कहां